सारण जिले के गरखा थाना क्षेत्र में एक युवक के संदेहास्पद मौत पर परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाया है। युवक का शव गरखा थाना क्षेत्र अंतर्गत महमदा गांव के खेत से बरामद किया गया है। मृतक की पहचान स्थानीय निवासी सतीश सिंह के 26 वर्षीय पुत्र दिवाकर कुमार सिंह के रूप में की गई है। परिवार वालों का आरोप है कि बीती रात्रि वह घर से निकला था और आज सुबह उसका शव मिला है। हो न हो हत्या कर उसके शव को खेत में फेंका गया है। वहीं पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल परिजनों की बात सुनकर मामले की छानबीन की जा रही है। रिपोर्ट हलचल न्यूज 24 छपरा। कैसे मर्डर हुआ बच्चे का? आपके मर्डर हुआ है जो लड़का लेकर के गया था उसको आज का रात में। उसके बाद में 10:30 में बात हुई खाना खाने के लिए, खाना खा लो। इसके बाद में कहा जब हम खाना खा करके आएंगे। इसके बाद में वो पता नहीं जो इसके बाद में क्या हुआ नहीं हुआ हम लोगों को 3 बजे भोर में मालूम हुआ है। जो लाश पड़ी हुई है किसने सूचना दी थी आपको? गांव वाले क्या लग रहा है आप लोग, क्या शक है? शक है मारा गया है सर, पूर्ण साजिश के तहत मारा गया है। मैंने क्यों मारा जाएगा, क्यों हत्या करेगा इसका कुछ सर? कुछ होता होगा सर, हम लोग नहीं जानते हैं, कुछ होगा। क्या नाम हुआ आपका? रंजीत कुमार। जो आप चोट की निशान के बारे में वीडियो बनाया गया, सब दिखाया गया।